हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि ऐसा चार्ट पैटर्न जो हमेशा वर्क करता है और जो आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। अगर आप क्रिप्टो में नए हो या फिर आप फॉरेक्स में नए हो, अगर आप चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हो, चार्ट पैटर्न वर्कआउट कैसे करते हैं, तो मैं आपको वन बाय वन सारे चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊंगा और वो कैसे प्ले आउट करते हैं, वो चार्ट पैटर्न्स बनते कैसे हैं। जैसे कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये बिटकॉइन यूएसडीटी का चार्ट है जो मैंने ट्रेडिंग व्यू पे ओपन किया है। आप भी इसको देख सकते हो ट्रेडिंग व्यू पे जाके। ट्रेडिंग आपको सिंपली इस पे टाइप करना है tradingview.com, वहां से आपको चार्ट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से कुछ सर्च में BTC USDT पे सर्च कर लेना है। आपको ये चार्ट्स दिख जाएंगे। यहाँ से आप डे की कैंडल्स जो है वो डे में होनी चाहिए, डे वाला देखना चाहते हो या फिर आवर वाला देखना चाहते हो, वो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। फिर मैंने डे सेलेक्ट किया हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम मार्केट में कब एंट्री ले और कब हमें मार्केट से एग्जिट करना चाहिए। तो वो एग्जिट और एंट्री की स्ट्रेटेजी मैं आज शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल चार्ट पैटर्न है जो हमेशा वर्क करता है, तो स्पेशली मैं आज उसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। और ये है, आप बहुत सारे लोगों को देख के ये समझ में आ गया होगा कि ये डबल टॉप चार्ट पैटर्न है। इसमें हमें एंट्री कहाँ लेनी चाहिए, हमें कहाँ पे इससे एग्जिट हो जाना चाहिए और भी इसकी चीज है कि ये कहां तक डाउन, कहां तक जाएगा और हमें हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ये प्ले आउट होगा भी या नहीं होगा, वो सारी चीजें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी आप देख पा रहे हो कि ये अभी मैंने बेस लाइन बनाया, लाइक कि ये एक बुल रन था, यहां से मार्केट ने पंप किया और ये ऊपर तक गया, राइट। लेकिन इसका एंड कब होगा, कभी ना कभी ये नीचे तो आएगा, ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही चलता चला जाएगा। ये इसका एंड होगा और वो जो एंड होता है वो बहुत पेनफुल होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नुकसान हो जाता है। तो अगर हम राइट टाइम पे अगर हम इसमें एग्जिट कर ले मार्केट से, तो हमें एक डिप एंट्री मिल सकती है। अगर मान लो कि अगर हमने यहाँ पे एग्जिट किया होता 58,000 पे, तो आज हमें सेम पॉइंट 47,000 मिल रहा होता, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सेल नहीं कर पाए तो हम यहाँ पे परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि इतना कैपिटल बचा ही नहीं है और जो लॉस हुआ वो अलग। तो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये अभी हमारा रिसेंट का है जो अभी थोड़े दिनों पहले मार्केट में डंप आया। तो जब मार्केट ने यहाँ से रिकवरी लेनी स्टार्ट करी जून वाले डंप से, 40,000 से ये ऊपर चलता गया चलता गया चलता गया, इसने एक अपना हाई बनाया 66,979 के अराउंड, तो ये इसका लोकल हाई बन गया, राइट। इसका मार्केट ने थोड़ा सा करेक्शन लिया, जो ऑब्वियस सी बात है, उसको लेना भी चाहिए। और ये आके रुका अराउंड 57,600 पे। अब ये हमारे देखने की चीज थी कि ये कहाँ पे रुकता है, जो कि इसको रुकना होता है ये रुकेगा। फर्स्ट टाइम पे ये सीधा नीचे नहीं आ सकता, साइन वेव की तरह ही चलेगा। ये नीचे आया, यहाँ पे रुका, इसने यहाँ पे बेस बनाया और ये इसने ट्राई किया फिर से कि मैं अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करूं, और थोड़ा बहुत इसने ब्रेक कर भी दिया, अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, लेकिन एक भी कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं हुई है। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर इसकी एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई, तो ये हमें इंडिकेट कर रहा था कि ये ब्रेकआउट नहीं ले रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई को नहीं तोड़ पा रहा है ये। तो ये फिर से नीचे आने लगा और ये जैसे ही नीचे आने लगा ये हमारा डबल टॉप बन गया, ये हमारा डबल टॉप है। अब ये हमारा डबल टॉप प्ले आउट कैसे करेगा ये हमें देखना है। तो अभी जैसे ये एक जब वो करेक्शन लेके नीचे आया तो ये हमारा हो जाएगा नेक लाइन, इसको हम नेक लाइन बोलते हैं। ये आपका क्रिप्टो में जितने भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है सब में वर्क करता है, ये नेक लाइन हम इसको बोलते हैं। और ये नेक लाइन जब भी ब्रेक होता है तो मार्केट, तो ये नेक लाइन जब भी ब्रेक होता है तो
ये हमें इंडिकेट करता है कि ये मार्केट डंप होने वाला है और हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को इस मार्केट से एग्जिट ले लेना चाहिए। हो सकता है कि ये मार्केट फिर से पंप करके इसके ऊपर आ जाए, जो 58-59 का जो एरिया है यहाँ आ जाए, आप अगेन एंट्री ले लो, बट जब भी ये नेक लाइन ब्रेक हो आप मार्केट से एग्जिट करो। और एग्जिट कब तक करना है, ये मार्केट कहाँ तक जाएगा वो भी डिसाइडेबल है, वो भी डिसाइड मिनिमम कितना जा सकता है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ये ट्रेडिंग व्यू पे आपको यहाँ पे एक स्केल दिखेगा, आपको ये स्केल लेना है। स्केल से इसका जो टॉप है इसको आप मेजर करो, ये जो नेक लाइन है इसकी ये कितनी है, 15%, 15.71% दिखा रहा है ये, राइट। तो अब हमें क्या करना है, ये अगर ये 15.71% है तो ये बॉटम कितना तक जाएगा, अब हमें ये डिसाइड करना है। तो डबल जितना ये ऊपर था उतना ही नीचे जाएगा, तो इसको 30% नीचे तो जाना ही था। अभी आप देख सकते हो कि 30% के आसपास ही चला, 33-34 के अराउंड गया, और ये एक जो विग बनी है वो बनी है इसकी अराउंड 38% की। तो इतना तो मिनिमम था इसका कि इसको 30% डाउन तो होना ही था। तो इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको एंट्री इसके नीचे ही लेनी है, 30% या 30% से नीचे, वो 30% तक तो जाएगा ही। और ये कैंडल्स बनती कैसे, मतलब ये वॉक कैसे करता है, ये नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हमें क्यों एग्जिट करना चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है कि लोग एंट्री ले लें और ये ऊपर चला जाए, बट मार्केट सेंटिमेंट ऐसे वर्क नहीं करता है, लोगों के पैसे लगे होते हैं। तो क्या होता है, जैसे बुल रन चल रहा है एक, है ना, तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, उसने अपना हाई बनाया, उसने एक करेक्शन लिया, वो नीचे आया, नीचे आया मतलब यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उसको बाई किया, मतलब जो ज्यादा बुलिश लोग थे उन लोगों ने 10% करेक्शन पे, 15% करेक्शन पे बाय किया, बाय किया, मार्केट फिर से ऊपर जाने लगा, बट इन लोगों को सपोर्ट नहीं मिला ज्यादा, इनको सपोर्ट नहीं मिला, और जो ये पॉइंट था इसका ऑल टाइम हाई था, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा थे, जो बेयर्स होते हैं मार्केट में वो ज्यादा थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पे सेल करने स्टार्ट कर दिए। तो इनका जो पैसा था इन्होंने 58,000 पे लिया, और जिन लोगों ने मान लो कि यहां लिया होगा 40,000 पे, उन्होंने इसको यहां पे सेल करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने सेल किया, मार्केट फिर से नीचे आ गया। ऐसा हो सकता था कि वो इस नेक लाइन पे आके फिर से रुके और यहां से फिर से कोई, अब ये डिपेंड करेगा एक्सटर्नल सिनेरियोज पे कि मतलब बाहर मार्केट में न्यूज क्या चल रहा है। अगर न्यूज अच्छी होगी तो हो सकता है कि यहां से पंप करके और अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन रहा या फिर कोई भी बेरिश न्यूज आई तो वो इसको तोड़ के नीचे चला जाएगा। और नीचे जाने के बाद क्या होता है कि जिन लोगों ने यहाँ पे परचेज किया है 57-58 पे, जिन्होंने परचेज किया है उनका स्टॉप लॉस होता है लगा हुआ, जहां पे वो परचेज करते हैं उससे नीचे उनका स्टॉप लॉस लगा होता है, कि लेटेस्ट एज्यूम कि उनका स्टॉप लॉस ये था, यहाँ पे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा रखा था। तो मार्केट ने जब ये इसका नेक ब्रेक हुआ तो मार्केट यहां आएगा, यहां आया तो इनका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली हिट हो गया और मार्केट डंप हो गया। ये बड़े इन्वेस्टर्स की बात है, और क्योंकि सारा मार्केट इसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो ये फॉलो होता है और ये ब्रेक हुआ और ये चला गया सीधा नीचे। और इसको सपोर्ट कहाँ मिला आप वो भी देख सकते हो, सपोर्ट कहाँ मिला, प्रीवियस सपोर्ट पे जहां से मार्केट ऊपर आया था वहां पे जाके इसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे बहुत सारे बायर थे जिन्होंने अपने बाय ऑर्डर लगा रखे थे, तो मार्केट यहाँ नीचे आते ही उनके ऑटोमेटिक बाय ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो गए और मार्केट ऊपर हो गया। लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं था कि वो इस लेवल पे आ जाए, ऐसा होता भी नहीं है कि सीधा यहाँ से और सीधा वहां चला जाए, ऐसा नहीं होता है। जब ये प्ले आउट हुआ है तो इसने फिर यहाँ पे अपना साइड वे मूवमेंट दिखाया, और आगे मैं बताऊंगा आपको अगली वीडियो में कि मतलब ये वापिस रिवर्स कब जाएगा। जैसे ये एक फेक आउट था, ये डबल टॉप बोल सकते हो आप, डबल टॉप, डबल बॉटम, ये सारे पैटर्न्स है जो वर्क करते हैं। और
अगर आपको ये इस चार्ट पैटर्न की हिस्ट्री देखनी है तो आप रिसेंट में ही इससे पहले जो मई जून में जो डंप आया था वहां पे भी देख सकते हो, प्राइस ऊपर गया, इसने हाई बनाया, यहाँ तक गया, 58 तक गया, नीचे आया, नेक बनाया, ऊपर गया, उसको थोड़ा सा ऊपर और गया, 60,000 तक गया, वापिस आ गया। आप यहीं से मार्केट के सेंटिमेंट को पता कर सकते हो ये, कि मतलब बुल्स जो ट्राई कर रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है, अब मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है, बुल्स की पावर खत्म हो रही है, अब बेयर्स आने वाले हैं, यहां पे समझ जाना चाहिए। जैसे दूसरा टॉप बना, अब समझो वो भी इतने कम डिस्टेंस पे, अगर दूसरा टॉप बना तो मतलब बुल्स की पावर इतनी ही बची है जितना ये ऊपर गया, इतनी ही बची है। नीचे आया, फिर से कुछ पॉजिटिव न्यूज आई होंगी जिसकी वजह से ये यहीं से पंप हो गया, पंप हुआ, ऊपर आया, हाई बनाया, नीचे आया, अब इसने क्या किया, इसके नेक लाइन को तोड़ दिया, इसने इसको तोड़ा, इसको नीचे जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बायर्स होंगे जिन्होंने इसको बाय किया और ये ऊपर गया, या फिर ये लिक्विडेट करने के लिए होगा, जो लेवरेज ट्रेडर्स होते हैं उनको लगा कि मार्केट नीचे गया, उन्होंने शॉर्ट्स किए होंगे यहाँ से, और मार्केट ऊपर चला गया, उनको लिक्विडेट किया, यहाँ से ऊपर गया, लोगों ने लॉन्ग किया होगा, फिर यहाँ से उन्होंने उसको नीचे कर दिया, वो भी लिक्विडेट हो गया। मतलब जो बायर्स और जो फ्यूचर सेलर्स हैं उन दोनों को लिक्विडेट कर दिया गया यहाँ पे। अब मार्केट फिर नीचे आया, ये कितना नीचे आएगा वो भी हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि कम से कम तो वो डबल तो जाता ही है, जो इसका टॉप है, आप यहाँ से स्केल लो, ये स्केल है, स्केल लो, टॉप पे जाओ, टॉप पे जाके और अपना ये देखो कि ये आपका नेक लाइन कहाँ बन रहा है। अगर आप इसको ऐसे देखते हो तो ये बन रहा है 25%, अगर यहाँ देखते हो तो बनता है 22%, तो ये नीचे कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट 44, मिनिमम 44 तो जाएगा ही जाएगा, जो कि वो पहली ही बार में 44 गया, और अगर ये दूसरे नेक लाइन के अकॉर्डिंग भी देखें तो भी ये 51 गया। तो ये चार्ट हमें बता देते हैं कि ये मार्केट कितना नीचे जाएगा, अगर आपने यहाँ पे इसको सेल किया तो आप डबल से पहले एंट्री मत लो, या फिर डबल के आसपास लो, जब वो डबल नीचे चला जाए उसके आसपास आप एंट्री लो, और यहाँ पे फिर से चार्ट को ऑब्जर्व करो कि चार्ट क्या बता रहा है, वो बॉटम्स बना रहा है या फिर मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ज़्यादा चांसेस रहता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, यहाँ से इसने ऐसे ऐसे ये रेंज बाउंड होके एक बार ये फेकआउट दिया, यहाँ पे लोगों को लिक्विडेट किया और फिर से ये ऊपर चला गया, तो ये यहीं से ऊपर क्यों गया, इसने डबल टॉप डबल बॉटम, ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं उसमें ये भी बताया जाता है कि ये क्यों ऐसा हुआ कि ये यहाँ से ऊपर चला गया, इसके नीचे भी तो जा सकता था, अगर ये इसके नीचे जाता तो इसका नेक्स्ट टारगेट इसका होता एटलीस्ट ये 23, ये 23 को जाता और ये छोटा सा सपोर्ट है, अगर ये भी नहीं रुकता तो ये चला जाता 19 के आसपास, जो कि बहुत सारे लोग प्रेडिक्ट कर भी रहे थे कि 15 10 के आसपास बिटकॉइन चला जाएगा, बट यहाँ से बुल्स की स्ट्रेंथ बढ़ी, बहुत सारे लोगों ने बाय किया यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा, जो यहाँ पे बेयर्स थे वो भी यहाँ आके बायर्स बने और उन्होंने मार्केट को फिर से ऊपर कर दिया। अगर आपको इस तरह से चार्ट पैटर्न अगर आपको समझ में आ गया है कि कैसे जब भी रिसेंट में टॉप बने, एक टॉप दूसरा टॉप, उन दोनों में अगर ज्यादा डिफरेंस ना हो तो वो प्ले करता है और मार्केट डंप होता है, उसके नेक लाइन पे आप एग्जिट कर जाओ, ठीक है। तो जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था लॉन्ग एंड शॉर्ट की कॉल के लिए, तो ये मैंने एक टूल यूज किया था, मैंने यहाँ पे लॉन्ग की कॉल दी थी आप लोगों को, इसके अराउंड 46,344 के अराउंड, और यहाँ से ये ऊपर गया 47 के अराउंड, मैंने 49 का टारगेट रखा था बट ये वहाँ तक अभी गया नहीं है, ये हो सकता है कि फिर से इसको टेस्ट करने आएगा, तो अगर आपको यहाँ पे स्कैल्प करना है तो आप यहाँ से स्कैल्प करके बाहर हो जाओ, और जब ये दोबारा यहाँ आए तो यहाँ पे आप फिर से एंट्री ले लो और इस रेड जोन के बाहर अपना स्टॉप लॉस लगा दो, इसके नीचे जाए तो
तो आप जाने दो उसको, थोड़ा सा लॉस बेयर करो और उसको जाने दो, वो नीचे तक जाएगा, 41 के अराउंड तक जाएगा। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं एक नए चार्ट पैटर्न्स के साथ आऊँगा, और मार्केट में क्या होने वाला है, मार्केट कब ऊपर जाएगा, उन सब चीज़ों पे भी डिस्कस करेंगे। अभी आप जनवरी का ले लो, जनवरी में मार्केट 54 से ऊपर नहीं जाने वाला है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मार्केट 54, 55 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 57 को टच करेगा, और मार्केट इसी रेंज में रहने वाला है पूरी जनवरी। जनवरी में कुछ भी नया नहीं होने वाला है, हो सकता है मार्केट यहाँ भी रहे, इससे थोड़ा सा नीचे भी आए, जो 42 के अराउंड तक आए, और बट इससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। अभी जनवरी में नहीं जाएगा, आप फरवरी का सोच सकते हो, फरवरी में मार्केट अगर बुलिश रहा तो ऊपर चला जाएगा, तो अपने सारे जो स्टॉप लॉसेज हैं उनको उसी अकॉर्डिंग मैनेज करो, और ट्रेड को क्लोज करो, ओपन करो, और स्कैल्पिंग करो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी लॉन्ग शॉर्ट कॉल के साथ और कुछ नए कॉइन्स के साथ, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल होगा। मैं वो सब कॉइन्स आपको आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको अगर बुल रन आया तो उसमें आपको 100x, 200x, 500x तक का प्रॉफिट दे सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।